हे स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक लेने वाले हैं और ये टॉपिक आपका है ब्लैंक वर्स। इन एवरी एग्जाम, चाहे वो टीजीटी है, पीजीटी है या फिर यूजीसी नेट है, ऑब्वियसली कुछ लिटरेरी टर्म्स वहां पे जरूर पूछी जाती हैं और वो लिटरेरी टर्म्स बेसिकली आपकी लिटरेचर पे बेस्ड होती हैं, यानी कि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो यूज होती हैं, चाहे ये ब्लैंक वर्स है, चाहे फ्री वर्स है, या फिर ये कोई मीटर है, या फिर हम बात करें एनी अदर फिगर ऑफ स्पीच जो कि यूज की जाती है आपके डिफरेंट पोएट्री में, प्रोज में एंड एवरीवेयर। सो उसी में से आज हम ब्लैंक वर्स पे, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं और ब्लैंक वर्स को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग इसको नहीं जानते। सो चलिए आज बात करते हैं अपनी इस कॉन्टिन्यूशन में ब्लैंक वर्स की। ये ब्लैंक और वर्स बेसिकली है क्या? सो लेते हैं यहां पे सबसे पहले हम एक शीट, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है यहां पे ब्लैंक वर्स। देखो ध्यान से, ये जो वर्स है, वर्स वर्स का मीन्स होता है पोएट्री से, पोएट्री यानी कि राइम जहां पे हो, और ये ब्लैंक जो है, ब्लैंक का मीन्स है जीरो यानी खाली होना, यानी वर्स का खाली होना, यानी कि सबसे बड़ी बात है कि राइम का ना होना। फिर ये हुआ क्या, तो देखो ब्लैंक वर्स इज पोएट्री रिटन विद रेगुलर मेट्रिकल बट अनराइम्ड लाइन्स, यानी यहां पे मीटर तो रेगुलर है लेकिन लाइन्स जो है वो अनराइम्ड है, यानी अगर मैं ब्लैंक वर्स को एक लाइन में बोलूं, कुछ वर्ड्स में बोलूं, तो 100% ये होगे अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स। गेटिंग एवरीवन? इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन एंड इन्फ्लुएंशियल फॉर्म दैट इंग्लिश पोएट्री कंटेन्स या फिर है, यानी कॉमन, मोस्ट कॉमन है और इन्फ्लुएंशियल है इंग्लिश पोएट्री की ये जबरदस्त फॉर्म्स। इसीलिए मैक्सिमम चीजें ब्लैंक वर्स में लिखी गई हैं, जहां जहां ब्लैंक वर्स में लिखी गई हैं वो बहुत इफेक्टिव एंड फेमस हो चुका है। जैसे हम एक छोटी सी बात पे आते हैं, शेक्सपियर को देखते हैं। शेक्सपियर डेवलप्ड दिस फीचर एंड ऑल्सो द पोटेंशियल ऑफ ब्लैंक वर्स फॉर एब्रप्ट एंड इरेगुलर स्पीच। एग्जाम्पल है इसका, जैसे किंग जॉन में हम एग्जाम्पल देखते हैं, वन ब्लैंक वर्स लाइन इज ब्रोकन बिटवीन टू कैरेक्टर्स। देखो कैरेक्टर्स का मीन्स यहां पे क्या है, सिलेबल्स से, किससे है, सिलेबल्स। अब आप कहेंगे सिलेबल्स क्या है, तो सिलेबल्स दो वो हैं जिसमें एक आयम को हम ब्रेक करते हैं। जैसे यहां पे लिखा है माय लॉर्ड, ये क्या है गाइस, माय लॉर्ड, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, हम इसे ऐसे बोलेंगे माय लॉर्ड, राइट। जैसे हम कहते कंडक्ट, कंडक्ट, तो कन पे हम स्ट्रेस देते हैं और लॉर्ड पे स्ट्रेस को छोड़ते हैं, तो ये एक आयम बन गया। तो वन आयम इज देयर, सेकेंड आयम है अ ग्रेव, ही शैल नॉट लिव इन अप। इसका मीन्स क्या बना, वन आयम ये, सेकेंड आयम ये, थर्ड आयम ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। गेटिंग? इसमें सिर्फ हम इतना समझेंगे ये आयम्बिक पेंटामीटर लाइन है, आयम्बिक पेंटामीटर। अगर यही लाइन एक, ये एक लाइन है, अगर यही लाइन राइम ना करे तो ये क्या बन जाएगा, ब्लैंक वर्स होगा। एग्जांपल इसका देखते हैं, ये रहा, यहां से आप बहुत बढ़िया से ब्लैंक वर्स को समझ सकते हैं। जैसे यूलिसिस पोएम जो लिखी गई थी एल्फ्रेड टेनिशन की, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन ने, अगर हम देखें तो किसमें, विक्टोरियन एज में, तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन इस यूलिसिस में एक लाइन देते हैं, इस लाइन को बहुत ध्यान से देखना, लाइन नंबर वन, इट मे बी दैट द गर्ल्स विल वैश अस डाउन। गेटिंग एवरीवन? तो यहां पे 1 2 3 4 5 फाइव आयम बन गए, और ये फाइव आयम कितना बनाते हैं, 10 सिलेबल्स, यानी कि एक आयम में दो सिलेबल बन गए। सिलेबल का मीन्स यहां पे बनता है, जैसे यहां पे आई है, एक वोवेल हो गया, मे में एक दूसरा वोवेल ए है, यहां पे ई है, यहां पे ए है, का मतलब एक एक सिलेबल में कम से कम एक वोवेल होना जरूरी है। अब इस लाइन को कंप्लीट देखिए, एक आयम्बिक पेंटामीटर, सेकेंड आयम्बिक पेंटामीटर लाइन यहां पर क्या है, इट मे बी वी शैल, इट मे बी वी शैल टच द हैप ई आई,
अब ध्यान से देखो, अगर मैं पहले वाली लाइन की राइम देखूं तो राइम कहां पे खत्म होती है? डाउन पे, डाउन। अब ये यहां पे राइम क्या है, यानी कि ए हो गई, करेक्ट। ये क्या है? आइल्स। तो आइल्स तो इसे नहीं करेगा, ये भी बन जाएगी। फिर उसके बाद में यहां पे न्यू, ये दोनों से नहीं करती, सी बन जाएगी। ये तो, ये डी बन जाएगी। इसका मींस ये आयमिक पेंटामीटर है लेकिन आपस में राइम नहीं कर रहे हैं। किसमें बन गए? ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई लाइन से, राइट एवरीवन। यानी हम अगर किसी लाइन की राइम को देखें, किन्हीं लाइंस की राइम को देखें, तो वो लास्ट से बनती हैं, और अगर वो करें तो अलग कंडीशन बनेगी। अब थोड़ा सा हम देखते हैं ब्लैंक वर्ड्स आया कहां से, हु इंट्रोड्यूस दिस ब्लैंक वर्ड्स। हम सबसे पहले बात करते अर्ल ऑफ सरे की। कौन है अर्ल ऑफ सरे? 1517 to 1547। ध्यान से देखेंगे, द रियल नेम ऑफ सरे क्या था? हेनरी हावर्ड। ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लैंड। ही वॉज डिसिपल ऑफ थॉमस वाट। थॉमस वाट का ये डिसिपल है। He was a brave soldier who served in Henry VIII's French War as Lieutenant General of the King on the sea and land. Became Earl of Surrey. इसी वजह से क्या बने? Earl of Surrey 1524 में, when his grandfather died and his father became Duke of Norfolk. 1536 में Surrey also served with his father against the pilgrimages of the Grace Rebellion, protesting against the dissolution of the monasteries by the, क्योंकि King Henry VIII एक तरह से dissolution कर रहा था monasteries का, उसके अगेंस्ट में भी इन्होंने रोल प्ले किया था। Surrey was the first English poet, ये देखें ये बड़ी जबरदस्त लाइन है, first English poet था to publish in blank verse, यानी कि unrhymed iambic pentameter lines, यही है बस blank verse. In his translation of the second and fourth book of Virgil Aeneid, Virgil के Aeneid को translate करते हुए उन्होंने इसका यूज किया था। When we see together with what he translated Petrarchan sonnets, देखो अगर हम sonnet की बात करें तो Petrarchan sonnet है जो original है और जिनकी rhyme scheme होती है ABBA, CDE, and hence known as fathers of English sonnets, इनको fathers of English sonnets कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन कहती है रेदर, नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं कि रेदर व्हाट इंट्रोड्यूस सोनेट इनटू इंग्लिश, बट इट वुड सरे हु गेव देम द राइमिंग मीटर एंड द डिवीजन इनटू क्वाट्रेंस एंड नाउ कैटराइज द सोनेट एज शेक्सपियरियन सोनेट्स। बस थोड़ा सा डिफरेंस जो जाता है शेक्सपियरियन सोनेट से, वो कैसे जाता है कि इसकी राइमिंग स्कीम होती है ABAB CDCDEFEFGG। इंग्लिश सोनेट और एलिजाबेथन सोनेट भी इन्हीं को कहा जाता है। हेनरी VIII वाज सफरिंग ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर, यानी कि पैरानोइया, एंड ही रियलाइज दैट सरे इज प्लानिंग टू यूजर्प द क्राउन फ्रॉम हिज सन एडवर्ड VI, यानी कि उनको लगा कि एडवर्ड VI छीन लेंगे राज्य को। सो ही इम्प्रिजन सरे एंड हिज फादर एंड सेंटेंस टू डेथ। सरे वॉज बिहेडेड ऑन 13 January 1547, बट हिज फादर सर्वाइव्ड, फादर इनके सर्वाइव कर गए। ही वॉज मैरिड टू फ्रेंसिस डी वेयर। सरे वॉज पोर्ट्रेट बाई एन एक्टर डेविड ओहरा द ट्यूडर्स, है ना, कैसे द ट्यूडर्स, अ टेलीविजन सीरीज, ये 2007-10 में बनी थी। सरे सोनेट्स वर एड्रेस टू जेरेल्डिन। अब आपको यह भी ध्यान रखें कि सरे की जो सोनेट्स थी बेसिकली वो किसी को एड्रेस जो की गई, वो किसको? जेरेल्डिन को। The structure of English sonnets which was founded by Surrey has three quatrains. Quatrains, देखो क्या quatrains का means है, चार चार line, यानी कि चार चार line के three quatrains बन गई। And a couplet, और last में couplet जो मैंने आपको बताया, यानी कि ABAB, CDCD, EFEF और last में GG, वो GG वाली जो बनेगी वो एक couplet बनेगी। Having the rhyme scheme, ये देखो लिखा है ABAB, CDCD, EFEF, GG. It is also called Shakespearean sonnet. या फिर हम इसको क्या नाम देते हैं? Elizabethan sonnet या English sonnet. Petrarchan sonnet से इनकी rhyme scheme अलग है। अब थोड़ा सा और समझते हैं blank verse को। वापस आते हैं वहीं पे। Poetry that does not rhyme but follows a regular meter, और meter कौन सा है? Iambic pentameter. आप बढ़िया से समझ चुके हैं। यूजुअली आयम्बिक पेंटामीटर ऑफन यूज इन ड्रामेटिक नैरेटिव पोएट्री। हियर आर सम एग्जांपल्स। अब कुछ और एग्जांपल्स ऐसे देखते हैं, जैसे हेमलेट में देखेंगे आप। हेमलेट का एक्ट थ्री है और सीन फर्स्ट है। हेमलेट की सबसे बड़ी हैमर्सिया, यानी कि भूल जो थी, ड्रॉबैक जो थी, वो क्या थी? इनडिसेसिव होना।
और ये इनडिसिसिव हमें इन्हीं लाइन से दिखता है, आपने जबरदस्त पढ़ा होगा, वो क्या बोलता है, क्या है यहां पे, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। तो देखो हम इसे कैसे बनाएंगे आयम्बिक में, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। गेटिंग एवरीवन? यानी ऐसे हम इस पे स्ट्रेस और अनस्ट्रेस करते हैं, स्ट्रेस अनस्ट्रेस ही सिलेबल्स को बनाता है। यानी पहला जो यहां पे सिलेबल है ये टू, जिसपे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, ये स्ट्रेस सिलेबल है, तो ये एक एक सिलेबल हो गया, और बी को फिर हम स्ट्रेस छोड़ते हैं अनस्ट्रेस सिलेबल, तो इसका मींस बना के स्ट्रेस्ड प्लस अनस्ट्रेस्ड मिलके एक आयम बना रहा है, फिर दूसरा आयम ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा ये, जो फिर पांचवा ये, इसी तरह से नीचे वे दर टिस नॉब लर इन द माइंड टू सफर, राइट। लेकिन ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन का सफर से कोई भी राइम नहीं बनता है, तो ये कैसी बन गई, ब्लैंक वर्स की लाइन। इसी तरह से फॉर्चून का नहीं बनता है, ट्रबल से बन गई आयम्बिक पेंटामीटर लाइन बट नॉट राइमिंग। तो किसमें लिखा, ब्लैंक वर्स में, ब्लैंक वर्स में, यही आपका ब्लैंक वर्स है। इसी तरह से एक बढ़िया एग्जांपल जॉन मिल्टन के आप पैराडाइज लोस्ट में देखते हैं, बुक वन में है, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिस ऑबीडियंस एंड द फ्रूट, राइट। कहने का मीन्स है कि इसमें भी आपकी राइमिंग इस आयम्बिक पेंटामीटर है, बट फ्रूट जो है वो टेस्ट से नहीं करता है कोई राइमिंग, वो मैन से सीट एटसेट्रा, तो ये क्या बन गया, अगेन ब्लैंक वर्स। ये भी आपका क्या बनेगा, यहां पे ब्लैंक वर्स होगा। देन वी कम टू क्रिस्टोफर मार्लो के डॉक्टर फोस्टस पे आते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे जबरदस्त जो करने वाला था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यूज क्रिस्टोफर मार्लो थे, राइट, गेटिंग, अपने वर्क्स में, यानी कि इंट्रोड्यूस किया था सरे ने, बट इसको यूज जो करते हैं वो क्रिस्टोफर मार्लो करते हैं। यहां पे लाइन देखते हैं, सेटल दाई स्टडीज फोस्टस एंड बिगिन टू साउंड द डेप्थ ऑफ यू ऑफ दैट दाउ वाइल्ड प्रोसेस, ये भी हमारा ब्लैंक वर्स में है। और एग्जांपल्स इसके अच्छे अच्छे हैं, जैसे जून ड्राइडन के ऑल फॉर लव में आप देखते हैं, ऑल फॉर लव, मार्क एंटनी आई विल राइज नाउ दाई आई एम नॉट सो साइलेंट, है ना, ये भी किसमें है, ब्लैंक वर्स में। विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे, यानी कि स्पेशली अगर हम देखें टिंटन एबे से, फाइव ईयर्स हैव पास्ड फाइव समर्स विद द लेंथ, का मतलब है यहां भी हमारा ब्लैंक वर्स, यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर लाइन है, जो कि हियर लेंथ स्प्रिंग्स या मर्मर से कोई भी कनेक्शन एज अ राइम नहीं बना रहा है, तो कैसे बन जाएगा, इट वुड ऑल्सो बी द ब्लैंक वर्स, ये भी हमारा ब्लैंक वर्स होगा। आगे बढ़ते हैं, सिक्स नंबर पे शेक्सपियर के मैकबेथ में हम देखते हैं, मैकबेथ में लाइंस आती है टुमैरो एंड टुमैरो एंड टुमैरो, राइट। यहां पे हम देखते हैं क्रीप्स इन दिस पेटी फेस फ्रॉम डे टू द लास्ट लेवल ऑफ द रिकॉर्डेड टाइम, ये भी हमारी इसको बनाती है ब्लैंक वर्स को, ये भी हमारा क्या है, ब्लैंक वर्स। इसी तरह से हमारे पास एग्जांपल्स हैं मिल्टन के पैराडाइज लोस्ट में, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट, फ्रूट का कोई भी टेस्ट से वो से मैन से कनेक्शन नहीं है, ब्लैंक वर्स। यानी आप ऐसा भी कर सकते हैं, इन एग्जांपल से हमें ध्यान रहेगा किस किस में ब्लैंक वर्स है, और ये भी याद रहेगा कि ये कोटेशन हमारी किस जगह पे, क्या पैराडाइज लोस्ट में है या फिर टिंटन एबे में है एटसेट्रा, और अगेन ये टिंटन एबे का ही हमारा एग्जाम्पल है। तो होप सो कि यहीं पर हम इसको ओवर करते हैं। सो गाइज, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट द ब्लैंक वर्स, वी हैव गोन थ्रू ब्लैंक वर्स, और ब्लैंक वर्स को हम इस तरह से बहुत बेहतर से समझ सकते हैं। सो होप सो कि आपको बढ़िया से ब्लैंक वर्स समझ में आया है, और अब आप इसको आसानी से एग्जांपल और अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपको 100% ये समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी बचती है तो 100% आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।